हे गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया, आज डे है संडे। तो अभी मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, संडे को थोड़ा संडे मना रही थी तो लेट उठी हूँ, बट चाय वो पी ली हूँ और अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। लंच साथ में दोनों बनेगा क्योंकि आज मुझे किचन का सफाई करना है। कल तो जैसे कि आप लोग ब्लॉग देखे, रूम का हो गया है, बट अब किचन मुझे करना है। किचन में मेन जो है हमारा फ्रिज है और ये वाला ड्रॉवर है। मैं सोच रही हूँ खाना बना के हटा लूँ पहले, उसके बाद लगूंगी क्लीनिंग में। तो खाने में क्या बना रही हूँ, तो आज गाइस मैं बना रही हूँ गेंडे का। यहाँ पे देख सकते हैं ये लाई हूँ गेंडे का, पहले मैं गेंडे फ्राई करके निकाल लूँगी। और यहाँ पे ये जो है मसाला तैयार की हूँ, जो कि सरसों, लहसुन और लाल मिर्च आज यूज की हूँ। कभी कभी मन करता है लाल मिर्च चटपटा खाने का, तो आज लाल मिर्च यूज की हूँ। तो इस तरीके से पहले मैं गेंडे फ्राई करती हूँ, उसके बाद निकाल लेती हूँ। और मसाले वाली जो भिंडी है इसी तरीके से बनाती हूँ, और जो सूखी वाली होती है वो तो इसी में प्याज वाले ऐड करके इस तरीके से बना लेती हूँ। बट इसमें गाइस मैं प्याज नहीं यूज करूँगी, ओनली लहसुन वाले ये भिंडी बनेगा, सरसों लहसुन वाले। काफ़ी लोग खाए भी होंगे, काफ़ी लोग को नहीं भी पता होगा, है ना। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा गाइस। और मैं बनाऊँगी मसूर का दाल एंड अभी रोटी, फिर से डालूंगी इसमें तेल। थोड़ा सा तेल यूज करूंगी क्योंकि सब्जी कम है, तो ज़्यादा तेल तेल भी अच्छा नहीं लगता है कि एकदम से तेल तेल भर दो। मुझे ज़्यादा तेल वाली सब्जी पसंद नहीं है, नॉर्मल तेल हो, टेस्ट अच्छा हो। यहाँ पे अभी मैं पचफोरन ऐड की हूँ और साथ के साथ अब चटक जाएगी तो मसाला करूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं भिंडी में मैं मसाला ऐड कर दी हूँ, थोड़ी सी पानी ऐड कर दी हूँ, अभी से ढक के पका लूँगी। और काफ़ी लोग को लगता है कि जैसे भिंडी में पानी डालने के बाद चिपचिपाहट आ जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भिंडी अच्छे तरीके से फ्राई कर लोगे तो कोई चिपचिपाहट नहीं आती। अगर भिंडी में कच्चापन रहेगा जब भी चिपचिपाहट आती है, तो इसीलिए मैं पहले भिंडी को फ्राई करके निकालती हूँ, उसके बाद जो है मुझे मसाले वाले बनानी होती है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है ये दाल चावल के साथ खाने में, बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आप लोगों को भी खाना होगा तो एक ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो भाई यहाँ पे खाना पीना तो मैं बना ली थी, खाना पीना बनाने के बाद मैं सोची चलो फ्रिज साफ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिज साफ कर रही हूँ, कुछ ड्रॉवर निकाल रही हूँ और ये जो ऊपर साफ कर रही हूँ ये नहीं निकल पाता है, ये फिक्स है इसमें, तो इस वजह से ये आइस वाले हैं शायद, मुझे इतना आइडिया नहीं। बट हाँ, इसके पहले जो मेरा फ्रिज था उसमें कुछ था कि एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए इसमें कुछ डाला हुआ था, बट इस फ्रिज में नहीं है। तो गाइज यहाँ पे फाइनली अपने हाथ धो ली, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। टाइम आप लोग देख सकते हैं, नहीं दिख रहा है, 2:10 हो गया है। और अभी जाके मतलब नहाई हूँ काम कंप्लीट करके, फिर भी थोड़ा बहुत काम रह गया है, लेकिन कितना सुंदर लग रहा है देखिए। यहाँ पे ये बिछाई हूँ और फ्रिज भी बहुत प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं। ये मैट मैं चेंज की हूँ, न्यू डाली हूँ, तो बहुत सुंदर लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है? और यही मैट जो है मैं ऊपर भी डाली हूँ इस पे, तो आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और किचन का ड्रॉवर भी बिल्कुल क्लीन कर दी हूँ, सारा पूरा रगड़ रगड़ के। वॉशरूम का पूरा टाइल्स जो है सही कर दी हूँ, बहुत मेहनत लग रहा है काम करने में, बट हो गया है सारा। अब मैं भूख भी लगा है बहुत तेज, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मॉर्निंग में खाए थे, उसके बाद नहीं खाए हैं तो अब भूख लगा है। तो खाने में क्या क्या आज बनाई हूँ वो मैं मॉर्निंग में आप लोग को बता दी थी, बट अभी मैं करके भी दिखा देती हूँ कि क्या क्या बनाई हूँ। हम लोग मॉर्निंग में थोड़ा बहुत ऐसे खा लिए थे कि ताकि जो भूख है वो कंट्रोल में रहे, तो इसलिए। तो यहाँ पे बनाई हूँ गाइस गर्मा गर्म चावल, चावल में से देख सकते हैं भाप निकल रहा है, तो एकदम बिहारी शुद्ध देसी खाना। तो यहाँ पे ये है सौम्या शौर्य सिंह का, आज बड़ा वाला थाली में निकाल ली हूँ, ये घर से थाली लेकर आई हूँ।
ये मैं बहुत पहले जब मेरे हस्बैंड थे ना तो उसी टाइम धनतेरस पे दो थाली खरीदी थी, तो वो पड़ा हुआ था। तेरी की जय हो, फोन गिरा धड़ाम शिवर। इनको पता नहीं कौन सा फर्क आ रखा भाई, ऐसे ही पटकाते रहता है क्योंकि तो जैसे तैसे रख देते हैं। तो एक थाली मैं इस वक्त ले आई कि यहाँ पे रखे रखे यूज तो हो नहीं रहा है, वहां पर ले जाऊंगी तो यूज हो जाएगा। तो ये फाइनली चावल सर्व कर ली हूँ आप लोगों को, सॉरी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये मैं बनाई हूँ चोखा, जो हमारे बिहार का फेमस है, दाल चावल चोखा। तो ये है गाइस चोखा। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ दाल। और एक दीदी कमेंट की थी श्वेता जाना चाहिए अपना घर, बट घर तो जाना चाहिए, मुझे भी इच्छा करता है, लेकिन इतना जल्दी जाऊंगी तो मेरा बजट जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगी। सबको अच्छा लगता है त्योहार में अपना घर ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं दशहरा पे चली गई थी, मम्मी का भी कल कॉल आया था, छठ पूजा हो रहा है हमारे घर में, छोटी वाली भाभी छठ पूजा करेगी, वो भी बोल रही थी फैमिली में सब लोग रहेगा, आप नहीं रहेंगी, लेकिन क्या करूं, हद हो चुका है यार, तो टूट गया फोन मेरा। यहाँ पे फाइनली खाना सर्व हो गया है हमारा, देख ही सकते हैं आप लोग, चावल पे ही दाल ले ली हूँ क्योंकि मैं बंद करने बोल दी तो यानी बंद कर दो और फैन चला दो कि ताकि चावल ठंडा हो जाए। मोबाइल निकाल के दे दो तो इतना अपने आप को दादी बनने लगती हैं, समझने लगती हैं कि जैसे ये ऑनर है मोबाइल के, है ना सर, समझती है ना। तो चलिए गाइस अब मैं खाती हूँ खाना और आप लोग से मिलूंगी थोड़ी, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी और मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो ऐसे ही हमारा आजकल चल रहा है, थोड़ा काम सफाई के साथ साथ, अब बस रह गया है ये जो ऊपर भगवान जी का मूर्ति वगैरह रखा हुआ है ना, ये पेंटर पेंट जो किया, सारा कील वगैरह बंद कर दिया और मंदिर उंदिर सारा, अब इस वजह से सारा मूर्ति मुझे वहाँ पे रखना पड़ा है। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर आइए।